ओम थानवी, अतीत में दबे पांव। अभी भी मोहन जोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, लेकिन मोहन जोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चौक पर बने चित्र भांडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के जातर शाख से रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहन जोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहन जोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृत नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु घाटी का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, मोहन जोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहन जोदड़ो के नाम से जाना जाता है। नंबर दो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। मोहन जोदड़ो की खूबी यह थी कि इस आदिम शहर की सड़कें और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ के सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ जहाँ था अब भी वही है। यहाँ पर कुछ फोटोज हैं, मोहन जोदड़ो की एक गली और दूसरा है मोहन जोदड़ो की एक मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडहर क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर आप उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। यह शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है, यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे काश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया के छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहन जोदड़ो की सभ्यता के बिखेरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप का आकार दिया गया था। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखालदास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इस स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई करने शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया मतलब इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हमने सबसे पहले इस स्तूप पर पहुँचे। पहले ही झलक में हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना
लैंडस्केप कहा गया है। ये शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गईं इस ठहरे हुए दृश्य में। हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है, इसे देखकर सुना जा सकता है। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों, देखना अपनी आँखों से देखना है, बाकी सब आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़क थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग के रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंधु की धूप चौंधियाती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ी। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताज़ा करने की भी ज़रूरत न पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदाड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवार के भीतर ऐतिहासिक शहर के सत्ता केंद्र अव्यवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्मसत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? यहाँ पर एक फोटो है मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। वे अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ गई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडहर में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कें और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडहर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी, आज वास्तुकार से ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनी में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहर में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासिलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के आकार के शहर हैं जो आधुनिकता सर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना की, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। सामने पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूर्व की इस बस्ती के दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पीछे घूम जाएं तो आप मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, वे कामगारों की बस्ती है, कहा जाता है कि इतर वर्ग की। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल तक टिक सकें, उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। यह भी सच है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के एक तिहाई हिस्से की खुदाई हो पाई है।
अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले के महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट। कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके तीन तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में दो पांत में 8 स्नानाघर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। यहाँ पर एक फोटो है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरौड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के विचित्र पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियाँ हैं। इनकी खासियत यह है कि यह भी पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ढकी भी हैं। यहाँ पर एक फोटो है, जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकास का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहीं जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियाँ और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ नौ चौकियों की तीन कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी प्रकार का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता था कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उनका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुत आयत थी। पत्थर सिंधु में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थीं। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इफ्रान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सब चीज़ें सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया के सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो कि जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। छाटनी मतलब लिनिन और ऊन कहते हैं या सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो। जैसा कि बाद में सिंध के मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ, प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेहुला शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है।
महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, तीन तरफ बरामदे हैं, इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएँ सटी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। घर के चार दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा घर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्ती मानी जाती हैं, मोहन जुदाड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहन जुदाड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्वविदों का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके, हल्का दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। उनके नाम पर यहाँ दो हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहन जुदाड़ो से तीन तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर दो बैलगाड़ियाँ एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यह शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी का घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहन जुदाड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर पौधी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहन जुदाड़ो के बासिंदों के सरोकार का एक बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर चौड़ी सड़कें हैं और उनमें छोटी नालियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदाड़ो में 700 के करीब कुएं थे। नदी, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? एक फोटो है मोहनजोदाड़ो का एक कुआं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत करते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सहतीरों की जगह हो। सभी ईंट के हैं। एक ही आकार की ईंटें 1:2:6
4 के अनुपात की, सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती होंगी, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30x30 फुट का होगा, 30x30 फुट का होगा। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इसकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। डीकेपी सी हल्का आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। डीके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ें तो 1.5 फ्लॉन्ग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसके 2 भागों में बंटती है। यह हल्का हेरल्ड हरगीज के नाम पर है, जिन्होंने 1924-1925 में रखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती हैं। प्रसिद्ध नर्तकी फिल्म भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती हैं। पश्चिम में गढ़ी के सामने ठीक माधो स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। यहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नानाघर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां तोलने के बाद आदि सब छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोर्सेल का मानना है। बड़े शहरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहां लकड़ी की सीढ़ियां रही हों जो कालांतर में नष्ट हो गईं। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते हों। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊँचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा।
गौर किया कि मोहनजोदाड़ो के किसी घर में खिड़की या दरवाजे पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म इलाकों के घरों में छाए के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़क धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में नहीं हो सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी श्रीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे, मोहनजोदाड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और इसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? मोहनजोदाड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो सांग सांग की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे घर पर किसी वाहन के गुजरते हुए किनारे के पट्टी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सुने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतने कि कानों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर है, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, भले ही वह 5,000 साल पुराना घर क्यों ना हो। हम में कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में अंधकार हलचल कदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराए घर में पिछवाड़े से चोरी चुपके घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच 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 दर इंच कंघी का घर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था जरूर, यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदाड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सका। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, कई चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधारा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्यापक है। गांव में घर हैं पर लोग नहीं हैं। कोई 150 साल पहले राजा के तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। राजस्थान की ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहिए वाले मिट्टी के गाड़ी के चित्र के साथ
सिंध में पिछले सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था जब मैं छोटा था। हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। हवाई जहाज़ के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊँट गाड़ी गाड़ी नहीं ऊँट गाड़ी का आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ी का अब भी वहाँ इस्तेमाल होता होगा। हमारे मेज़बान ने याद दिलाया कि मोहनजोदाड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडहरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बा स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूँ अकेले मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे वाद्य चौक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, मापतौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, दो पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। मोहनजोदाड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूचे सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुआ था। दूसरी बात तो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है। वह प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना, दूसरी जगहों पर राजतंत्र था, धर्मतंत्र की आदत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं, न महंतों की समाधियां। यहाँ के मूर्तिशिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदाड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद सबसे छोटे सिर पंचों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रहीं। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्था को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, जो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनुभूज लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए है।
सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की जो बहुत सारी सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कशीदेकारी मतलब कपड़ों का फूल चित्र अंकित करने की कला कशीदेकारी में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदाड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है। यहाँ पर एक फोटो है, नृत्य मृदा में लड़की, आज से 2500 साल पहले की मूर्ति। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरिया बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडर को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। यहाँ पर अभ्यास के क्वेश्चन हैं। गाइज, आप कमेंट में बताएं अगर आपको अभ्यास के क्वेश्चन भी चाहिए, तो मैं अभ्यास के क्वेश्चन, MCQs इत्यादि के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो गाइज, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।